फ्रेंड्स, सरकार ट्रेड चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेड चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ हर रोज की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे का व्यू, नेक्स्ट डे में हम कौन से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, क्या तक हम टारगेट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं कुछ अलग टाइप का बनाऊंगा और आप लोगों को मैं पिन पॉइंट समझाने का अलग से कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, सबसे पहले सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक दो वीडियो देखिए, आपको अगर एनालिसिस सही लगता है तब जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप अगर हमारे अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और वहाँ पे हर रोज 3 से 4 परफेक्ट कॉल दिया जाता है। चलिए दोस्त, कल के लिए क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 14,680 ये जो लेवल मैं दिया हूँ, इस लेवल का ऊपर अगर सस्टेनेबल होता है या गैप अप होता है तो आपको इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बाइंग करना चाहिए। फर्स्टली टारगेट कहाँ होना चाहिए, फर्स्टली टारगेट आपको रहेगा 14,750 से लेकर 765 ये लेवल तक। अगर ज्यादा गैप अप होता है, इसका करीब ओपन होता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और यहाँ से हल्का गिरावट आ सकता है। जो गिरावट आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, वो गिरावट आपको लेके जा सकता है नियर अबाउट 14,600। क्लियर, ओपन कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे ओपन होने के बाद कौन से लेवल के ऊपर आपको कहाँ तक टारगेट के लिए ट्रेड करना है। यहाँ से डाउन होने के बाद दोबारा अगर ओपन चढ़ता है, इस हाई को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बन जाएगा वो आपको यहाँ पे बन जाएगा। ये हो गया आप साइड का। देखिए, हम इंटरनेट ट्रेडर्स है, हमें निफ्टी आप होगा या डाउन होगा हमें कोई मतलब नहीं है। आप होगा तो हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। अब हमें आदत पड़ा रहता है कि हम ओवरनाइट करते हैं ऑप्शन में। अगर आपको पता होगा कि ओवरनाइट करने से मुझे फायदा होगा तो आप कीजिए। अब मुझे पता नहीं कि ओवरनाइट करने से मुझे फायदा होगा, मैं करता नहीं, बुरा लगे तो माफी करना। ओके, तो ऐसे सिचुएशन पे मैं ओवरनाइट करना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है जिन लोग कॉल पोजिशन बाय किए हैं, हो सकता है उनको कल के लिए और थोड़ा सा तेजी यहाँ तक दिखाई देने को मिल सकता है, हो सकता है। इस बात का कोई गारंटी नहीं है, सीधी सी बात बोलता हूँ, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट से संकेत आएगा, एजीएस निफ्टी जो बिहेव करेगा, इंडियन मार्केट से जो कोरोना स्थिति का न्यूज आएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा मार्केट। बट कुछ स्टॉक का मोमेंटम जो मैं लास्ट टाइम पे देखा हूं वो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें एक अच्छा खासा रैली आता हुआ दिखाई दिया है और ये रैली मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। दोस्तों, अगर निफ्टी 14,575 इस लेवल से नीचे बिलोंग करना शुरू होता है या इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो आपको कॉल साइड के लिए सोचना नहीं है जब तक ना 14,600 के ऊपर निफ्टी चलना शुरू हो रहा है, राइट? जब तक ना निफ्टी 14,600 के ऊपर चलना शुरू होगा तब तक आप पुट साइड में ही रहिएगा। इस लेवल को ब्रेक करेगा, 14,500 लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे का मैं ये सारे लेवल दिखा दिया हूँ, 14,420, 14,350, 14,260 इस साइड तक लोअर लेवल जा सकता है। क्लियर दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपर साइड का मेन रेसिस्टेंस कल के लिए बन जाएगा 14,770, यहाँ पे मैं 65 दिया हूँ, इसे 65 या 70 मान लेना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो बैंक निफ्टी में मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, आज का जो कैंडल बना है बहुत जबरदस्त, एक बुलिश कैंडल कहा जाता है इसको। अगर आपने कॉल पोजिशन बाइंग कर रखे हैं तो हो सकता है आपके लिए 85% सेफ है एज पर कैंडलिस्टिक पैटर्न। ओके, बट इंटरनेट ट्रेडर्स, आपको मौका कब है? अगर 32,700 के ऊपर ओपन होता है, 32,715 इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ओपन इक्वल टू लो बनता है, ओपन इक्वल टू लो मतलब ओपन होने के बाद एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट का लो ब्रेक नहीं कर रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, अब कॉल बाय कर लो। 33,000 तक आने का पॉसिबिलिटी है, आपने यहाँ पे कौन सी कॉल बाय करना है, 33,000 का कॉल बाय करना है। बहुत क्लियर पिक्चर, अगर मैं बहुत स्पीड अप बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं धीरे धीरे आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। डाउन साइड के लिए
32,550 इस लेवल को ब्रेक होगा, हम डाउन साइड में चले जाएंगे। ठीक, या तो इसके नीचे ओपन होगा तो हम डाउन साइड में चले जाएंगे 32,000 देखने के लिए। 32,000 देखने के लिए तेजी से यहां पे आएगा, यहां से बाउंस बैक करेगा, करना ही करना है, करके फिर दोबारा अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 31,800 ये लेवल तक जा सकता है, 31,000, राइट, क्लियर। अब मैं बात करूंगा कुछ स्टॉक का, टेक्निकल चार्ट में लेके चलूंगा और यहाँ पे कल के लिए कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट में ये स्थिति हम देखे हैं कि दो दिन के गिरावट के बाद आज भी गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन का पीछे कारण क्या है? कोरोना का स्थिति प्लस उस बंगाल में, मैंने आपको संडे को जो सैटरडे को जो वीडियो बनाया था वहाँ पर भी बताया था कि ऐसे अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी पार्टी का हार हो जाता है तो क्या होगा, बीजेपी पार्टी अगर बहुमत के साथ जीतते हैं तो क्या होगा, और वही होता हुआ आज के दिन में दिखाई दिया था। ओके, तो चार्ट हमारे सामने है, एक कंटिन्यू डाउन के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बाउंस बैक, ये हमारा रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर ओपन करके दिखाएंगे तो दिखाएंगे यहाँ पे एक क्लियर हैमर कैंडल का बना रहा है, और इसका कैंडल का मतलब ये आता है कि इस प्रकार की एक तेजी भी आ सकता है। अगर इस प्रकार के ये डाउन ओपन होता है तो आप ध्यान देना, जो मैं लेवल दिया हूँ उस लेवल के साथ ट्रेड करना। कल के लिए इम्पोर्टेंट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा भारतीय एयरटेल। जब मैं आज आप लोगों के साथ लाइव में आया था तब भी डिस्कस किया था कि भारतीय एयरटेल क्या लेवल दिया था आप लोगों को, 550 to 555 के ऊपर अगर आएगा तो यहाँ से 600 तक जाने के लिए चार्ज बन जाता है भारतीय एयरटेल का। रिलायंस नेक्स्ट आता है, रिलायंस में क्या स्थिति है? रिलायंस की स्थिति बहुत संकटजनक है। क्या स्थिति है आपके सामने, चार्ट ओपन है, हम क्या देख पा रहे हैं, तीन दिन कंटिन्यू डाउन आप होने के बाद दोजी कैंडल फेल यहाँ से डाउन। अब ये डाउन ट्रेंड कहाँ से आ सकता है? अगर इस डाउन ट्रेंड कल भी कंटिन्यू रहता है और इससे नीचे चलता है, इससे नीचे आप हो जाता है तो ये आप जा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर आप हो जाता है तो ये आप जा सकता है। आपका रेसिस्टेंस जो कल के लिए इसका रहेगा रिलायंस का, वो रहेगा 1980 से 1985। ओके, कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद, 1970 को ब्रेक करने के बाद ये 1985 तक जा सकता है। अब आते हैं सेल में कंटिन्यू बाइंग साइड में बने रहिए। कल के लिए ध्यान रखिए अदानी ग्रुप का हर एक स्टॉक के ऊपर। मैंने जब लाइव में आया था तब भी मैं बताया था कि कोई लोग पूछे थे सर होल्डिंग स्टॉक के लिए मैं एक ही चीज बताया था, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल। स्टील सेक्टर में ध्यान दीजिए होल्डिंग स्टॉक के लिए, अदानी ग्रुप में ध्यान दीजिए कल के लिए, हाई चुनाव का रिजल्ट आएगा अदानी ग्रुप का। ओके, तो मैं ये कुछ स्टॉक आपके सामने रखा हूँ। होल्डिंग स्टॉक के लिए आप टाइटन पे ध्यान दीजिए, टाइटन पे एक अगर 15 मिनट कैंडल पे आप ट्रेंड आ जाता है तो टाइटन पे आप बाइंग साइड जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक जरूर ध्यान दीजिए। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर बात करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन है और इस ऑप्शन चेन में हम क्या देख रहे हैं कि कल के लिए कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एट द रेट मानी के ऊपर हमने लाइन खींच दिए हैं और यहाँ से हम जो चीज देख पा रहे हैं 14,700 के ऊपर जो लेवल है ये इससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, 15,000 का लेवल मैग्नेटिक लेवल बन सकता है। इससे पहले आपको जो मैं टेक्निकल चार्ट में दिखाया हूँ 14,800 को ब्रेक करना पड़ेगा, 14,900 को इतनी ज़्यादा कोई क्रिटिकल एरिया नहीं है, लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर 14,700 से ऊपर चलना शुरू हो गया है तो ये नियर अबाउट 15,000 तक अभी जो सिचुएशन है इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एट द रेट मानी से पुट साइड में अगर देखा जाए तो पुट साइड में सपोर्ट है 14,500, जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 16,264 दिखा दे रहा है। हम 15,000 के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि 15,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर देखा जाए दोनों साइड कंपेयर करता हुआ तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है आपको इन लेवलों के ऊपर। ओके, इन लेवलों के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी सपोर्ट रह जाएगा अभी के लिए, सबसे बड़ी सपोर्ट रह जाएगा 14,400, जो मैं लेवल प्रेजेंटेशन में दिया हूँ। प्रेजेंटेशन के साथ ही काम कीजिए। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैं आपको सर समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जो स्थिति निकल के आ रहा है ये क्या रहा है, इसका जो सपोर्ट बन रहा है कल के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस 32,500।
32,500 कल के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया है तो यहाँ से 33,000 के करीब बहुत क्लियर ऑप्शन चेन है। और इस ऑप्शन चेन को सीखिए, जानिए एंड मार्केट को प्रॉफिट कमाइए सपोर्ट के लिए 32,000। अगर आपको तेजी से 33,000 के करीब पहुंच जाता है तो यहाँ पे आप सेल कीजिए यानी कि पुट खरीदिए। अगर तेजी से 32,000 के पास पहुंच जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन क्रिएट कीजिए यानी कि और अपना टारगेट ट्रेडिंग करते ही अपना टारगेट जरूर लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो काफी चीजों को मैं कवर किया हूँ, आई थिंक कुछ मैं चेंजमेंट किया हूँ, ये चेंजमेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप भी समझ पा रहे होंगे ये चेंजमेंट क्या है, क्योंकि मैं कुछ स्टॉक का व्यू कल के लिए मैं आज का इस वीडियो में ही बता रहा हूँ और निफ्टी के लिए एक प्रेजेंटेशन का मतलब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप भी सीखे हुए तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप सीखे हुए तरीके से नहीं ट्रेडिंग करते, अंदर में तीर मार रहे हैं, तो हमारा कोर्स ऑनलाइन का ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 10 मई से शुरू है और हर एक दिन प्रॉफिट लेके चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।